दिल्ली। दिल्ली यूं तो जानी जाती है भारत की राजधानी से और साथ ही साथ मशहूर है यहाँ के दार्शनिक स्थानों से भी, लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसी जगह भी हैं जो शायद इतनी मशहूर नहीं हुई। उनमें से एक है सफदरजंग टोम्ब। सफदरजंग टोम्ब अपने आप में ही इतना अद्भुत है कि अपना इतिहास को वो खुद ही बयान करता है। चलिए तो पहले हम जानते हैं सफदरजंग के इतिहास के बारे में। सफदरजंग का असली नाम मुकीम अबुल मंसूर खान था और वो सफदरजंग के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध था। दरअसल वो कोई राजा नहीं था, वो अवध का नवाब था। सफदरजंग ने अवध में 1719 से 1748 तक शासन किया। वो मोहम्मद शाह के अंदर अपना शासन चला रहा था। 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद सफदरजंग दिल्ली चला गया। सफदरजंग जब दिल्ली आया उस समय शासन चल रहा था अहमद शाह का। उन्होंने उनके अंतर्गत अपना शासन किया। वो मुगलों में ममालिक हिंदुस्तान के पद पर काम कर रहे थे। कुछ समय शासन करने के बाद 1754 में सफदरजंग की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नवाब सुजात दौला ने मुगल सम्राट से दिल्ली में अपने पिता के लिए कब्र खड़ा करने का अनुरोध किया। उसके बाद वहां सफदरजंग टोम्ब का निर्माण हुआ। सफदरजंग टोम्ब का निर्माण 1754 में हुआ, जिसकी शैली बिल्कुल मुगलों जैसी थी और ये काफ़ी हद तक प्रेरित है हुमायूं टोम्ब से। यहाँ सफदरजंग के साथ साथ उनकी बेगम की भी कब्र है और इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है और कुछ हिस्सा सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से हुआ है। सफदरजंग टोम्ब की विशेषता की शुरुआत करें तो यहाँ पर चार बाग है जो कि चौकोर शेप में है और इसका हर हिस्सा लगभग 280 मीटर है। और यहाँ जो खास पवेलियन है वो है जंगली महल और मोती महल। साथ ही साथ चारों तरफ तालाब है। उसके अलावा तीन गुंबद वाले मस्जिद अपने आप में ही आकर्षण का प्रतीक है। हमारी इतिहास की विरासत अमूल्य है और यह लुप्त नहीं होनी चाहिए।